पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। दी, ये खाना कब देंगे? जल्दी से कुछ खिला दो यार, बहुत भूख लग रही है। सब हमें घूर रहे हैं या मुझे ही ऐसा लग रहा है? बाकी सबको तो पता नहीं, लेकिन ताई जी हमें बहुत इंटरेस्टेड लग रही है। टीचर, टेल मी समथिंग, ये हमारे जो मामा थे इतने कलरफुल थे क्या? आई मीन कलरफुल तो थे, एक बार समझ नहीं आती इनकी फैमिली इतनी ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? यू नो व्हाट, ही हैड एन अफेयर अपनी सेक्रेटरी के साथ। मॉम ने ना मना करा कि हमें प्रेम चाचू के बारे में कुछ नहीं बोलना, मजाक में भी नहीं। ओके, और दादा बाबू के सामने तो बात बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल मेरा दादा बाबू तो थोड़ी बात जाएगी ऑब्वियसली। मेरा कैन यू स्टॉप, एक तो मुझे नहीं पता ना मम्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर, ये फटीचरों के आने के बाद तो इट्स डाइड। हमारे कपड़े पहन के भी ना दे डोंट लुक लाइक महाजन्स। रसगुल्ला, निकल जा। पैलेट क्लेंजर। ये रसगुल्ला नहीं बल्कि मुंह का पुराना टेस्ट नॉर्मल करने के लिए डिश है। फर्स्ट टाइम? कौन सा पानी लोगे, स्टिल और स्पार्कलिंग? स्टिल कहीं जी। Sure. वैसे अर्जुन, तुम अपने बारे में क्या बता सकते हो? तुम्हारे लाइफ गोल्स क्या हैं? ताई जी, मैं स्टेट लेवल स्विमर हूं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छी लग रही हो रूही। माँ, ये आप ही की चॉइस होगी, है ना? बहुत ही अच्छी बच्ची है। भूमि, सब लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं ना तुम्हारे बच्चों में? कॉस, यही तो तुम चाहती थी। दीदी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। आप लोगों ने हमें इतना कुछ हो जाने के बाद भी घर में एक्सेप्ट किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भूमि। एक्चुअली इस घर के बेटे और उनकी फैमिलीज हमेशा से लकी रहे हैं। अगर कोई अनलकी रहा है ना तो वो बस मैं हूं, इस घर की बेटी। और अब मेरी बेटी शनाया भी, यू नो, प्रेम और धनराज के आगे कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। आई एम रियली सॉरी, मुझे शनाया की एंगेजमेंट के बारे में पता चला। प्लीज भूमि, ये झूठी तसल्ली दिखाने की ना एक्टिंग बिल्कुल मत करो। तुम भी जानती हो ना, प्रेम के चौथे के एक दिन पहले मेरी बेटी की सगाई टूटी है। लेकिन फिर भी दादा बाबू प्रेम के बच्चों की खातिर ऋषिकेश जाने को तैयार थे। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि इस घर में मेरी क्या अहमियत है?
दी? क्या है ये सब? मैं नहीं खा सकता। तो रुक, मैं कुछ लेके आती हूँ तेरे लिए। आप मुझे बताइए क्या चाहिए आपको? वो मैं अपने भाई के लिए कुछ लेने के लिए आई थी, कुछ सिंपल दाल चावल सा। आप कहना क्या चाहते हैं दादा बाबू? मैं ये कहना चाहता हूं धनराज कि जो पेपर वर्क है उसे कंप्लीट कर दिया जाए। थैंक यू। प्रेम का हिस्सा उसकी फैमिली को पास ऑन करके मैं रिकॉर्ड्स अप टू डेट करना चाहता हूं। आपका मतलब शेयर्स? यस। हेलो सिस्टर। ऐसे चोरी चोरी चुपके से दूसरों की बातें सुनना ये गंदी आदत है। अब नहीं, मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन रही थी। वो मैंने पापा का नाम सुना इसलिए मैं रुक गई। कोई बात नहीं बेटा, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? या एक्चुअली प्लीज हैव अ सीट, जॉइन अस। आओ बेटा, प्लीज जॉइन अस। हाँ बेटा, हम प्रेम की बात कर रहे थे। आई ऑलवेज लव्ड हिम। मेरा छोटा भाई था लेकिन बिहेव हमेशा ऐसे करता था जैसे बड़ा भाई हो। बेटा ऋषिकेश में प्रेम और अर्जुन कोई कैफे चलाते थे, राइट? नहीं नहीं ताऊ जी, कैफे तो मम्मी और पापा चलाते थे। पापा बिजनेस की रनिंग देखते थे और मम्मी अकाउंट्स, और अर्जुन तो अपने स्विमिंग कंपटीशन में ही बिजी रहता था। कभी कभी ईशा और मैं मम्मी की मदद कर देते थे कैफे में। सो बेसिकली ये एक फैमिली रन बिजनेस था। हाउ स्वीट। बट बेचारी चाची जी यार, मतलब वो कैफे भी चला रही थी, घर भी देख रही थी। सर्वाइवल, गुजारा करना बहुत ही टफ होगा ना देविका? मॉम डिड यू हियर दैट? सुना आपने? आई डोंट थिंक मॉम ने कभी किसी बैंक का इंटीरियर भी देखा होगा। बैंक घर आता है, हम लोग बैंक नहीं जाते। इन एनी केस हमारी घर की औरतों को क्या करना है अकाउंट्स अकाउंट्स राइट दैट। पर अब चाची जी को काम करने की जरूरत नहीं है, अब हम हैं ना योर ब्रदर्स हियर भाविका। पर हाँ यार, एक बात आ चुकी है कि प्रेम चाचा भी तो महाजन थे, फिर भी उन्होंने चाची से काम कराया। नॉट राइट। तुम्हें ताज्जुब इसलिए हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे ये परंपरा है कि औरतों को काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन क्यों डर लगता है तुम्हें औरत की काबिलियत से? और जिस परंपरा की तुम बात कर रहे हो ना, और जिस पर गर्व कर रहे हो, मेरे पापा उसे बुजदिलों की दुकान कहा करते थे। मेरे पापा ने मुझे आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट होना सिखाया, लेकिन ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम्हारे लिए तो अमीर घर में रहना, ये महंगे कपड़े पहनना, ये मॉडर्न सोच है। और मॉडर्न सोच तुम्हारे लिए पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि तुम में तो इतनी काबिलियत भी नहीं है कि तुम मेरा नाम याद रख सको। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।